अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेट्रासिस। आज मैं आपको इस ऑटोमेटिक रोलर का रिव्यू देने जा रही हूँ। स्टार्टिंग में ना बल्कि कभी भी मुझे ना बाल रोल नहीं करने आते थे। देन ना मैंने सोशल मीडिया पे देखा इस रोलर के काफ़ी ऐड चल रहे थे। आप लोगों ने भी देखे होंगे ऑटोमेटिक रोलर के बहुत ऐड थे, चाइनीज ऐड भी थे, यानी कि हर तरह के ऐड थे। देन मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। जब मैंने इसे यूज़ किया, वाकई में इससे बाल रोल करना बहुत 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 ईजी है। जिन्हें रोल नहीं करने आते उनके लिए ये रोलर बहुत बहुत अच्छा है। ये इसके दो बटन हैं, क्लॉकवाइज भी बाल रोल हो जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी बाल रोल हो जाते हैं। इसके साथ ना ये एक डायरी मिलेगी आपको, इसमें टोटली सब कुछ मेंशन होगा क्या करना क्या नहीं। ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। देन दो क्लिप्स मिलते हैं और एक टेल कॉम मिलती है। और इसकी जो ये वायर है ना, ये 360 के एंगल में रोटेट भी होती है। मुझे आज पता चला है, 360 के एंगल पे इजीली रोटेट हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसे आपको बाल रोल करके दिखाती हूँ। इसे इस बटन को दबाना है एंड देन ये ऊपर लेके जाना, खुद ही बाल ऊपर चढ़ जाते हैं। सबसे यूनिक खुद घुमाना नहीं पड़ा, ये सबसे अच्छी बात लगी थी मुझे। बस ये ऊपर ही लेके जाने जाते और पता नहीं चल रहा था कौन सी डायरेक्शन में लेकर जाना है। ये ईजी हो गया मेरे लिए और इससे मुझे बहुत ईजी होता है इसे रोल डालने में। इसके बालों में मैंने जेल नहीं लगाई, आप लोग चाहें पहले जेल लगा लें या ऐसे रोल करके बाद में स्प्रे कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये देखें कितना मज़े का रोल डला है, बहुत बहुत आला रोल डलते हैं। इसके ना कपड़ों का कलर डार्क है इसलिए रोल नज़र नहीं आ रहे, सारे डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ऐसे रखना है और यूँ ऊपर ले जाना, दूसरे बाल हारे यूँ ऊपर ले जाना, एकदम से फोड़न से ऊपर से लगातार अच्छे खासे टाइट, बहुत अच्छे रोल डलते हैं इससे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस सेकेंड रखा है मैंने, फिर ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए कितना अच्छा रोल डला। अगर आपको थोड़े से टाइट रोल चाहिए थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी अच्छे रोल डलते हैं। अब मैं ना आपको एंटी क्लॉकवाइज वाला रोल डाल के दिखाती हूँ, वो भी एक दफ़ा देखें। जो क्लिप्स साथ मिले हैं उससे आप यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे, हम हर डरा हमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डाल। अगर दूसरा रोल डालना है तो 10 सेकंड होना, फिर 3-2 सेकंड तक अच्छा खासा दूसरा रोल डाल दे। ये एंटी क्लॉकवाइज वाला कुछ इस तरह से डलेगा। ये सारी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, पता नहीं चला कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। शायद देखें कितनी अच्छी आगे वाले ही ऑटोमेटिक कर ले, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। इसके साथ ही मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।